Start admin tools, ठीक है, रेडियो सर्वर मैनेजर रोल एंड रोल रोल पे भी जाना, टीचर्स पे जाना, एड टीचर विंडो सर्वर बैकअप कमांड लाइन टूल्स भी ऐड करने, नेक्स्ट इंस्टॉल इंस्टॉल देन क्लोज। उसके बाद जाना है, जैसे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, जैसे सी ड्राइव में जैसे ट्रैक है, ट्रैक का बैकअप ले लेते हैं, कार्ड पे क्लिक करते हैं, एडमिन टूल्स, विंडोज सर्वर बैकअप, बैकअप वन, डिफरेंट ऑप्शन रखने, नेक्स्ट फुल सर्वर बैकअप लेना है तो फुल सर्वर रिकमेंडेड पे रखना है, जिसमें सी ड्राइव भी आ जाएगी यानी ओएस ड्राइव, सिस्टम विदाउट पार्टीशन भी आ जाएगा, प्लस आपकी डेटाबेस ड्राइव भी आएगी, ठीक है। अगर मैं कस्टम करता हूँ तो मैं लिमिटेड, मेरे को आइटम ऐड कराना पड़ेगा कि कौन सा बैकअप करना है, ठीक है, ऐड आइटम्स पे जाना है, सी ड्राइव में ड्रैग का फोल्डर है ये मैं ऐड करा देता हूँ, और इसी के अंदर एडवांस सेटिंग भी है जो VSS वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस पे खुल सकता है, इसको हमें VSS फुल बैकअप पे कन्वर्ट करना है, ओके। नेक्स्ट लोकल ड्राइव कहाँ पर हमें डेस्टिनेशन रखना है, तो रिमोट लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं, तो अपनी लोकल ड्राइव पे भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, लोकल ड्राइव तो कोई नहीं है, एक काम करते हैं, लोकल ड्राइव हम यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट से बना सकते हैं, mgmc.msc लिखते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं सी ड्राइव को, स्ट्रिंग वॉल्यूम दस जीबी यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं, टीवी का एक पार्टीशन बना देते हैं न्यू सिंपल वॉल्यूम, आपको
ई ड्राइव बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई ड्राइव इमीडिएटली नहीं आएगी तो एक बार आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगेन बैकअप वंस पे जाते हैं, फिर ऑप्शन कर लेते हैं, कस्टम एड आइटम चैट डायरेक्टरी एडवांस सेटिंग डीएचएस सेटिंग फुल बैकअप नेक्स्ट नेक्स्ट ई ड्राइव आ गई यहाँ पे ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट करते हैं, बैकअप करते हैं, यहाँ पे बैकअप आपका स्टार्ट हो गया। बैकअप बंद है ना, अगर हम बैकअप शेड्यूल करेंगे तब हमें यहाँ पे शेड्यूल लगाना पड़ेगा। बैकअप हो गया कम्प्लीट, क्लोज करके क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे इसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए एक तरीका है, जैसे मेरे पास सी ड्राइव में ये फोल्डर था, ऐसे में शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो चुका है फोल्डर, रिसाइकल बिन ब्लैंक है। मेरा बैकअप जो है कहाँ पर आया, ई ड्राइव में, विंडोज इमेज बैकअप, सर्वर नेम, बैकअप फोल्डर, उसके अंदर ये बी एस सी फाइल, ठीक है, 80.8 MB की है, ठीक है। इसको मैं अटैच कर देता हूँ डिस्क मैनेजमेंट पे जाके, तो वहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट अगेन खोलता हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद एक्शन पे जाते हैं, अटैच बी एस सी, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ई ड्राइव, विंडोज इमेज बैकअप, सर्वर नेम, बैकअप फाइल, बी एस सी फाइल, ओके। देखो एक अटैच होगी ड्राइव, ठीक है। ये ड्राइव पे हम जाते हैं, कॉपी करते हैं अपना बैकअप, सी ड्राइव में जाके पेस्ट करते हैं। एक तरीका ये भी है, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है रीस्टोरिंग का, इसको हम जाके अटैच कराएंगे, हट जाएगी फाइल, ओके। क्लोज करते हैं डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर में जाते हैं, ई ड्राइव देख गया, ई ड्राइव आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको दूसरे तरीके से भी रिस्टोर करना है तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं, तो अगेन ठीक है, स्टार्ट पे जाते हैं, एडमिट टूल्स,
विंडोज सर्वर बैकअप, रिकवर का क्लिक करते हैं। एक सर्वर का बैकअप रिकवर करना है, आज की डेट आ रही है मतलब आज का बैकअप है। फाइल्स एंड फोल्डर रिकवर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट। अब इसमें आ जाएगा फिर डेटाबेस प्लस पॉइंट खोलते हैं, सी ड्राइव खोलते हैं, इसके अंदर मेरे पास एक ट्रैक फोल्डर है उसको रिकवर करना है, नेक्स्ट। ओरिजिनल लोकेशन पे डालना है कि अनदर लोकेशन है, अनदर पे डाल देता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो माई डॉक्यूमेंट है उसमें डाल देता हूँ, नेक्स्ट रिकवर। हो गया कम्प्लीट, क्लोज करते हैं, क्लोज। और उसके डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, फाइल आ गई, ठीक है। बस ये दूसरा तरीका था रिकवर, ठीक है। थर्ड तरीका,